दोस्तों, नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी। अभी मैं हूँ उदयपुर के सिटी पैलेस में और ये इसका पार्ट 4 कवर कर रहा हूँ मैं। इससे पहले मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, वेपन्स गैलरी और सिटी पैलेस की हिस्ट्री, जो महाराजा करण सिंह द्वारा बनाए हुए पैलेस थे, मैंने कवर किया है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ इस महल के सबसे खूबसूरत रूम के अंदर और वहाँ पर बने हुए डाइनिंग हॉल और जहाँ पर राजा रानी रहते थे। तो चलो दोस्तों, अब चलते हैं आगे। इससे पहले वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और यहाँ पर एक सामने जरोका बना हुआ है, यहाँ पर जो है चौपट हुआ करती थी। और यहाँ पर सामने आप जो देख रहे हो, इसके अंदर महल है, कांच की बुर्ज बोलते हैं इसको। देखो कांच की कार्विंग और कांच का वर्क देखो आप, कितना बढ़िया और क्वालिटी में काम किया हुआ है। ऐसे पैलेस हर जगह होते हैं लेकिन सिटी पैलेस में सबसे बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि देखो इसके अंदर काफी अच्छी जो है बारीकी से काम किया हुआ, एक एक चीज को जो है यहाँ पर इन्होंने जो है काफी बढ़िया जो है यहाँ पर इसको सजा रखा है। और इसके पास में यहाँ पर देख रहो, ये है हाथी के दांत के दरवाजे। दोस्तों अभी मैं इस वाले सेक्शन में आ गया हूँ और ये वाला जो चौक देख रहे हो आप, मदन विलास है और ये महाराजा भीम सिंह ने बनाया था। पूरी चीन की हुई पेंटिंग है, चीनी पेंटिंग चौक भी बोलते हैं इसको। दोस्तों यहाँ से देखो आप, ये सामने जो है दीवाने आम है, माणक चौक, और वहां से सामने से हम अंदर आए थे और ये पूरी उदयपुर सिटी है। सबसे अच्छा व्यू पॉइंट है उदयपुर शहर को देखने के लिए इस पैलेस से, ये देखो सामने। और यहाँ पर जो है ये नक्काशी की हुई है, आप ये भी देख सकते हो साथ में, ये एक जरोका बना हुआ है यहाँ पर। और यहाँ से नीचे कोई कार्यक्रम होता था तो यहाँ पर जो है राजा वगैरह बैठ के उसको यहाँ से देख सकते थे। और ये यहाँ की इस पे देखो कार्विंग की हुई है, ये भी आप देख सकते हो कितनी बढ़िया कार्विंग की हुई है, यहाँ से आप देख सकते हो। ये इसका व्यू है, ये देखो गाइस कितना मस्त व्यू है। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सामने ये जो जरोका देख रहे हो, यहाँ से देखो कितना अच्छा व्यू है इसका। बारिश का मौसम हो गया है पूरा और पूरा फॉग हो गया है सिटी में, फिर भी आप यहाँ से व्यू देखते हो तो कितना बढ़िया व्यू है, आप देख सकते हो पूरा सिटी का। और मैं थोड़ा आगे से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये होटल बना हुआ है और इसके पीछे आगे देखते हो जब शंभू निवास है, जहाँ पर रॉयल फैमिली आज भी स्टे करती है। और वहाँ पर सामने वो पहाड़ी देख रहे हो, उस पर मंदिर बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया व्यू है, यहाँ से मजा आ जाएगा जब आप यहाँ पर घूमने आओगे तो। अभी जो मैं आपको रूम दिखाऊंगा, ये वाला रूम आप देख सकते हो, इसके चारों तरफ जो है आपको इतनी अच्छी जो है नक्काशी देखने को मिलेगी, कार्विंग। और ये है उदयपुर की पहली लाइब्रेरी, और उदयपुर के एक कवि हुए थे कविराज श्यामल दास, यहाँ पर बैठकर पूरे उदयपुर का इतिहास लिखा था और महाराजा सज्जन सिंह ने इस लाइब्रेरी को बनाया था, इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों अभी मैं जो है यहाँ से आपको पिछोला झील का जो है व्यू दिखाऊंगा, कितना शानदार व्यू है, मुझे खुद को जो है बहुत अच्छा लगा, एकदम पॉजिटिव वाइब्स आती है यहाँ पर, ठंडी ठंडी हवा आती है, बहुत ही बढ़िया। ये जो आप देख रहे हो पीछे, यहाँ पर ये देखो जल महल है, पीछे सामने आप देख रहे हो जल महल है, ये पूरी पिछोला झील है। और यहाँ पर देखो इसके अंदर जो है अभी बोटिंग वगैरह जो है चालू है और बारिश का मौसम है, हल्की हल्की छाटे आ रही है, लेकिन आपको यहाँ से इसका जो दृश्य है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। चलते हैं दोस्तों यहाँ से आगे। तो आप पैलेस देख रहे हो, ये मोती महल है और मोती महल में आपको इस यहाँ पर और इस वाली साइड, दोनों साइड आपको हाथी के दांतों से बनाए हुए दरवाजे हैं जो आप देख सकते हो। और ये वाला महल है मोती महल, जो पूरा कांच के बेल्जियम के ग्लास से बना हुआ है। इसके अंदर देखो आप सारे जो ये ग्लास है अलग अलग, यहाँ पर बेल्जियम के ग्लास है, और कितना अच्छा इस रूम को बनाया हुआ है आप देखो। तो ये है भीम विलास, और भीम विलास में आप देख सकते हो यहाँ पर सामने जो ये आप देख रहे हो, यहाँ पर राजा बैठते थे और वो हुक्का पीते थे। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये चौपट है और चेस वगैरह यहाँ पर बना हुआ है, उस टाइम भी ये जो चौपट खेला करते थे यहाँ पर। और ये महाराजा भीम सिंह द्वारा बनाया हुआ है, यहाँ से इसका व्यू है, ये जरोके बने हुए हैं यहाँ पर। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कितना मस्त गैलरी बना हुआ है, ये इसके अंदर बेल्जियम के ग्लास है, 200 से 250 साल पहले के ये ग्लास है। और यहाँ पर आप इस गैलरी में खड़े रहके इस पैलेस को देख सकते हैं यहाँ से, ये इसका व्यू है देखो आप, कितना बढ़िया मौसम है आप देख सकते हो, शानदार मौसम है, सामने सूरज पोल है और ये पूरा माणक चौक है। यहाँ पर देख सकते हो आप महाराजा स्वरूप सिंह जी द्वारा बनाया हुआ है। अभी आप जो ये हॉल देख रहे हो, ये प्रीतम निवास है और मैं वहां से सामने से अंदर आया हूँ। और यहाँ पर देखो आपको प्रीतम निवास में जो है यहाँ के ये जो आपको फर्नीचर देख रहे हो, ये ज्यादा पुराने नहीं है, ये जो है
करीबन 70-80 साल पूरा नहीं है, आज यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक और जरोका बना हुआ है, शानदार व्यू है यहाँ से भी, बढ़िया एकदम बेल्जियम ग्लास वगैरह लगे हुए हैं इसमें भी। यहाँ से चलते हैं थोड़ा आगे, एक बार आप रास्ता देखना, यहाँ से मैं अंदर आया हूँ, यहाँ से देखो, ये देखो कितने संकरे रास्ते हैं। पे एक और ये जो रूम बना हुआ है इसके अंदर काफी अच्छी पेंटिंग की हुई है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको एक बार यहाँ की पेंटिंग दिखा देता हूँ, बहुत ही बढ़िया जो है ये नेचुरल दीवार पे की हुई पेंटिंग है, नेचुरल कलर से, मस्त है ना। तो दोस्तों अभी मैंने आपको सिटी पैलेस के काफी सारे रूम दिखाए हैं, कई चौक दिखाए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही प्यार बनाए रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय राजस्थान।